तो देखो भाई, लोग पिछले एक दो दिनों से टोयोटा की अपकमिंग एमपीवी कार के बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस ऑनलाइन लीक हो रहे हैं और इस अपकमिंग एमपीवी कार को टोयोटा कंपनी अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इस कार का नाम रहेगा इनोवा हाईक्रॉस और ये कार इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट रहने वाला है। आज के डेट में इनोवा क्रिस्टा इंडियन मार्केट में बिक रही है, इसका लुक आप सभी लोगों को पता है, इसका इंटीरियर भी आपको पता है, लेकिन ये जो टोयोटा की अपकमिंग हाईक्रॉस रहने वाली है इसका एक्सटीरियर लुक आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाएगा और इसके इंटीरियर में काफी प्रीमियम लेवल के फीचर्स टोयोटा कंपनी ऑफर करने वाली है। इसका इंटीरियर भी लीक हो चुका है, इसके इंटीरियर में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप इसका रियर का फेशिया देख सकते हैं, इसका रियर का फेशिया कंप्लीटली चेंज है और इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले इसके रियर के फेशिया में और साइड के प्रोफाइल में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ये रियर से थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इसके एलईडी टेललाइट का डिजाइन कंप्लीटली चेंज है और यहाँ पर आप काफी ज्यादा डिफरेंसेस नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा इस एमपीवी कार का फ्रंट का फीशा भी आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा, कंप्लीटली एलईडी लाइटिंग का सेटअप देखने को मिल जाएगा, चाहे वो डीआरएल हो, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे वो एलईडी टेल लाइट हो। इसके अलावा फ्रंट के ग्रिल्स का डिजाइन कंप्लीटली नया रहेगा और फ्रंट के बम्पर्स और रियर के बम्पर्स आपको कंप्लीटली न्यू पैटर्न के साथ मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको इसके एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो टोयोटा कंपनी इस एमपीवी कार के अंदर दो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि यहां पर आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला और टोयोटा ने डीजल इंजन को बंद कर दिया है। तो यहां पर इस एमपीवी कार के अंदर आपको दो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, पहला रहेगा माइल्ड हाइब्रिड और दूसरा आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ आपको ज्यादा माइलेज मिलेगा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने वाला है और रिसेंटली टोयोटा कंपनी ने सेम चीज हाईराइडर के अंदर प्रोवाइड करी थी। हाईराइडर का एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू वीडियो आ चुका है, लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका इंटीरियर भी स्पाइड हो चुका है और इसके इंटीरियर में आपको फ्लोटिंग कंडीशन के साथ बड़ा टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम मिलने वाला है। शायद 10 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम टोयोटा कंपनी इसके अंदर दे सकती है और इसके अंदर जो टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम यूज किया है टोयोटा कंपनी ने ये कंप्लीटली नया है, यानी टोयोटा की किसी भी कार के अंदर आपको इस टाइप का टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दिया जाएगा, सनरूफ का ऑप्शन आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा के अंदर सनरूफ नहीं दिया जाता, टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर भी आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ हाईराइडर के अंदर आज के डेट में सनरूफ आ जाता है और यहाँ पर टोयोटा की इस एमपीवी कार के अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाएगा, लेदर की सीट्स, लेदर की अपोल्स्ट्री, आर्मरेस्ट और लेदर की ट्रीटमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाएगी। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर किया जाएगा, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन दिया जाएगा और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स आपको टोयोटा की इस एमपीवी कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो टोयोटा की इस एमपीवी कार के अंदर आपको इनोवा क्रिस्टा से भी ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। हालांकि इनोवा क्रिस्टा कंफर्ट के हिसाब से काफी बढ़िया कार है, लेकिन इस एमपीवी कार के अंदर भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा और इसको अगले महीने इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा कंपनी इस कार की कीमत थोड़ी सी ज्यादा रख सकती है और इसकी प्लेसमेंट इनोवा क्रिस्टा के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसका लुक आपको इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा। इसके इंटीरियर में आपको इनोवा क्रिस्टा से भी ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे और इस कार में आपको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इस कार की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी जैसे ही टोयोटा कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है। इसका डिटेल रिव्यू वीडियो मैं जरूर लाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।